अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टेस्ट मेशर। इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉजिक गेट्स डिस्कस करूंगा कि बेसिक लॉजिक गेट्स कितने हैं और किस तरह काम करते हैं। तो आइए स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जो लॉजिक गेट्स है हमारे पास वो है और गेट। तो ये एडिशन के लिए यूज़ होता है और उसका जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह होता है, ठीक है। यानी कि सपोज हमारे पास ए और बी इनपुट्स हैं तो उसका जो रिजल्ट है वो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह दूसरा नंबर पे जो एंड गेट है वो मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। इनसाइड द सर्किटरी जो है ये जब हम मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए एंड गेट यूज होता है। तो उसका जो लॉजिक डायग्राम है, सपोज ए और बी उसका इनपुट्स हैं और ये एंड गेट से होते हुए ये जो रिजल्ट प्रोवाइड करेगा ए डॉट बी, ये उसका आउटपुट हो जाएगा। तो हम इस वीडियो में सात लॉजिक गेट्स जो हैं, बेसिक लॉजिक गेट्स है, उसको और मुख्तसर तौर पर हम इसको डिस्कस करेंगे और इसके बाद जो है एक एक गेट को तफसील के साथ विद सर्किट डायग्राम, विद ट्रुथ टेबल और उसका जो डिफिनीशन है इन सब को डिस्कस करेंगे। लेकिन ये वीडियो जो है कॉम्प्रहेंसिव वीडियो है, जो सात लॉजिक गेट से हम इसमें सात ही को डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास है नॉट गेट, नॉट गेट इसको इन्वर्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो नॉट गेट एक ही इनपुट लेता है और जस्ट इसको इन्वर्ट कर देता है। सपोज ए का ए कॉम्प्लीमेंट बना देता है या जीरो का वन बना देता है और वन का जीरो बना देता है, ठीक है। तो ये इसका काम है। नेक्स्ट जो हमारे पास है नैंड गेट, फोर्थ वे पोजीशन पे जो हमारे पास गेट आता है नैंड गेट। इस नाम से भी पता आपको होना चाहिए कि एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन होगा ये, ठीक है। तो ये इसका जो डायग्राम है इस तरह हो जाएगा। सपोज ए और बी नैंड गेट से होते हुए इसके जो इसके सामने एक बबल भी आएगा, ठीक है। यानी उसका इन्वर्जन कर देता है, जिस तरह एंड ए डॉट बी इस तरह करता है, यानी कि प्रोडक्ट करता है, तो ये उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो नैंड गेट का काम एंड और इसका कॉम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फिफ्थ नंबर पे, फिफ्थ पोजीशन पे हमारे पास है नॉर गेट। जिस तरह नाम से भी आपको अंदाज़ा होगा कि आर और नॉट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो नॉर गेट का जो सर्किट डायग्राम है वो इस तरह हो जाएगा, लाइक आर गेट और जो इसके हेड पे है एक बबल भी आएगा। सपोज ए और बी, तो ए और बी आर गेट से इस तरह मतलब इस एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, तो ये इसका कम्प्लीमेंटेशन करता है सिंपल, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम तफसीलन बात करेंगे। नेक्स्ट गेट है यानी कि नंबर सिक्स वे पोजीशन पे, तो हमारे पास है एक्स और गेट। इसका जो सर्किट डायग्राम है, सपोज ए और बी, तो इसको डबल करके जिस तरह आर गेट होता है इस तरह एक्स और, तो उसका आउटपुट आ जाएगा जेड इज इक्वल टू ए इन सर्कल प्लस बी। इसका जो इक्विवेलेंट है ये इस तरह भी आप लिख सकते हैं, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ये इसका इक्विवेलेंट है। उसको भी हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि ये इसका किस तरह इक्विवेलेंट आता है, ये इसका जब जीरो जीरो इनपुट हो तो उसका आउटपुट क्या आता है, इसी तरह वन वन के साथ ये क्या करता है, तो इसको हम तफसील के साथ डिस्कस करेंगे जब इसकी बारी आएगी। नेक्स्ट गेट की तरफ बढ़ते हैं, गेट नंबर सेवन जो एक्स नॉर गेट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये किस तरह होता है। इसमें ये होता है कि जब ए और बी
ई एज इनपुट लेता है ये, और जिस तरह नाम से भी आपको अंदाज़ा होगा कि ये ए इन सर्कल प्लस बी उसका नॉट यही करता है। ठीक है, तो ये था मुख्तसर तारुफ एक स्नार एक सार और इसी तरह जो बेसिक गेट्स हैं, ये उसका मुख्तसर सा तारुफ हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आर गेट को डिस्कस करेंगे, उसके बाद एंड गेट को, उसके बाद नॉट गेट, उसके बाद नैंड नार एक्सार एक्सनार एट्सेट्रा, तो इसको हम एक एक करके तफसील के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।